Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys, welcome to the new Fast and Tech Review. Guys, ये है Hyundai Grand i10 Neos की स्पोर्ट्स वेरिएंट और आज हम करेंगे इसकी Fast and Tech Review. इसकी एक्सोडोम प्राइस 7,15,000 रखी गई है, जो लोकेशन वाइज इंक्रीज भी हो सकती है. Grand i10 स्पोर्ट वेरिएंट के साथ भी अब आपको नई फ्रंट प्रोफाइल दी गई है, जिसमें न्यू शेप्ड DRLs और फ्रंट ग्रिल डिजाइन को चेंज किया गया है. बहुत कुछ और भी करूंगा डिस्क्राइब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल देखें तो नीचे न्यू LED DRLs, बोल्ड साइज ग्लॉस फिनिश ग्रिल और यहां हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर विथ अप एंड डाउन के साथ टर्न इंडिकेटर दिया गया है. सेंटर में न्यू सार्टेन फिनिश लोगो और ऊपर विंडशील्ड के साथ वाइपर प्लेस किया गया है. बात करें इसके डायमेंशंस की तो इसमें 3765 mm लेंथ, 1660 mm वेट, 1520 mm हाइट और 2450 mm व्हील बेस और 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ यहाँ 175/60R साइज टायर और 15-inch स्टाइल्ड व्हील्स विद फ्रंट टायर डिस्क ब्रेक्स मिल जाता है. इसके अलावा साइड प्रोफाइल में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर स्ट्रिप, ब्लैक्ड आउट B एंड C पिलर्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स और फ्यूल फिलिंग नॉब विद 37 लीटर्स कैपेसिटी के साथ G10 की बैजिंग दी गई है. बात करें सेफ्टी की तो इसमें 4 एयरबैग्स, फ्रंट टायर डिस्क ब्रेक्स, क्रूज कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सेंटर लॉकिंग जैसे और भी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं. इसके अलावा रियर प्रोफाइल देखें तो इसके सेंटर में टेल लैंप असेंबली कनेक्टिंग डिजाइन और यहां LED स्टॉप लैंप विद ऑलवेज ऑन मोड के साथ हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर और रियर पार्किंग लैंप दिया गया है. इसके अलावा यहां स्पोर्ट्स की बैजिंग, Hyundai का लोगो और यहां ग्रैंड i10 की बैजिंग के साथ नियोस मेंशन किया गया है. लोगो के ऊपर रियर पार्किंग कैमरा और नीचे बॉडी कलर्ड बम्पर के साथ 2-point पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर दिया गया है. इसके अलावा ऊपर रियर विंडशील्ड और डिफॉगर के साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप एंड शार्पन एंटीना मिल जाता है. बात करें ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की तो इसमें ब्लैक एंड बीच थीम के साथ स्मॉल स्पेस, पावर विंडो कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स, डोर अनलॉक लीवर और बोतल होल्डर दिया गया है. एंटरटेनमेंट के लिए इसमें 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है. इसके अलावा यहाँ फैब्रिक एंड लेदरेट सीट विद हाइट एडजस्टमेंट, एयरबैग, हेडरेस्ट एंड सीट बेल्ट दिया गया है. बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है. इसमें स्पीड, RPM, ट्रिप टाइम, TPMS, फ्यूल लेवल, बैटरी लेवल, इंजन टेम्परेचर, टर्न इंडिकेटर और हेडलाइट इंडिकेटर के साथ बीच में डिजिटल मल्टी इन्फॉर्मेशन रीडिंग्स क्लियरली शो हो जाएंगे. ये है 3 स्पोक्स पावर स्टीयरिंग व्हील. इसमें Hyundai का लोगो, हॉर्न बटन, टेलीफोनिक कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल दिया गया है. इसके नीचे ऑटोमेटिक हेडलैम्प कंट्रोल और वाइपर कंट्रोल स्टॉक प्लेस किया गया है. फ्रंट सेंटर कंसोल में ग्लॉस ब्लैक बेजल फ्रेम के साथ 8-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो सपोर्ट करेगा एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, USB, ब्लूटूथ, नेविगेशन, FM, रेडियो और पार्किंग डिस्प्ले जैसे फीचर्स. इसके नीचे हजार्ड लाइट बटन, डुअल AC वेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, 12 वोल्ट पोर्ट, टाइप सी USB पोर्ट और स्पेस दिया गया है. इसके अलावा यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद कन्वेंशनल रिवर्स के साथ पीछे बोतल होल्डर, स्पेस और हैंड ब्रेक मिल जाता है. ऊपर मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट ORVM, टिकट होल्डर, टेलीफोनिक माइक और पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है. इसके अलावा लेफ्ट साइड डैशबोर्ड में स्पेस के साथ डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स और AC वेंट मिल जाता है. वहीं राइट साइड डैशबोर्ड देखें तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन, हेडलैम्प लेवलर और स्पेस के साथ AC वेंट दिया गया है. इसके अलावा बात करें रियर कैबिन की तो सेंटर में AC वेंट, ब्लोअर कंट्रोलर और 12 वोल्ट सॉकेट के साथ ऊपर सेकेंडरी लैंप और यहाँ फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ बीच कलर अपहोस्ट्री और सीट बेल्ट मिल जाता है. बात करें बूट की तो इसमें 260 लीटर स्पेस के साथ टूल किट, स्पेयर व्हील, लाइट और पार्सल ट्रे दिया गया है. इसके अलावा स्पोर्ट्स वेरिएंट के इंजन बे को देखें तो इसमें 1200cc 4 सिलेंडर K1.2 RDE कंप्लायंट पेट्रोल इंजन है, जो 83 bhp पावर और 113 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है. सो गाइस, ये थी Hyundai i10 Neos स्पोर्ट्स वेरिएंट की फास्ट एंड टेक रिव्यू. आपको कैसी लगी ये कार कमेंट बॉक्स में बताइए. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी रिव्यू के साथ. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.